हेलो गाइस, मैं शिखर रजक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भोपाल से। जैसा कि मैंने आपको ये 32 इंची बोर्ड के बारे में जानकारी दी थी, तो आज मैं इसको आपको लगाना बताऊंगा किस तरीके से ये लगाते हैं। सबसे पहले तो ये इसके कनेक्शन निकालना है। तो देखिए, मैंने ये बैक लाइट के कनेक्शन ये निकाल के रखी हुई है। ये मैंने यहाँ से कनेक्शन करके निकाल दिए हैं बैक लाइट के। ये आ गया वायर, दो वायर निकाल दी। ये जो स्पीकर के कनेक्शन होगा, और ये जो है अपने एलबीडीएस के कनेक्शन जो है, मार्केट में आपको इस तरीके की एलबीडीएस मिलेगी। देखिए, अच्छा, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी कनेक्शन चेंज नहीं करना है, एक क्लियर वैसे ही जैसा था। तो ये भी वही है सॉकेट, परंतु ये जो ओल्ड इसका जो सैमसंग का मदरबोर्ड का है इसका है, ये टीकोन में यही बोर्ड ये बैठेगा। तो मैंने इस सॉकेट को निकाल के इसमें फिट किया है, इसको निकाल के इसको इसमें फिट किया है, वो ये कंप्लीट कर दिया है। कनेक्शन आपको चेंज नहीं करना है। ये जो है 12 वोल्ट पे काम करता है पैनल, तो इसको सबसे पहले 12 वोल्ट पे काम करना है ना। देखिए, ये इसका डार्ट्स है, देखिए ये दिख रहा है। इसकी एक नंबर पिन ये है, एक नंबर पिन ये है इसकी, एक नंबर यहाँ पर है। इसको सीधा का सीधा आपको इसमें फंसा देना है। अब दूसरा चीज़, ये जो है ये कहीं शॉर्ट ना हो जाए, तो इसके कहीं टच ना हो जाए, इसलिए इसको यहाँ पर टाइट कर देंगे। देखिए, मैंने ये इसमें नट बोल्ट डाला, उसको टाइट कर देता हूँ मैं, कहीं शॉर्ट ना हो जाए। ये हो गया इसका, ये टाइट कर दिया। अब ये जो मैंने है ये अलग से बनाया, मैंने इसके कनेक्शन निकाल के इसके कंप्लीट किया है। सेंसर है ये की पैनल है इसका, ठीक। ये हो गया कंप्लीट। दूसरा, ये वायर कनेक्शन करना है, इसके माइनस प्लस देख के इसके कनेक्शन कर देना है। तो इसमें सीधे सीधे ये दिए हैं कनेक्शन इसके, एक माइनस का है एक प्लस का है। देखिए, ये जो है इसमें देखिए ये लिखा है माइनस, ये माइनस पे लगा देता हूँ, ये लगा दिया मैंने माइनस पे। और दूसरा वायर ये है, ये मैंने लगा दिया प्लस का। ये दोनों वायर लग गए, ये कंप्लीट हो गया। अब इसमें सप्लाई देकर इसको चालू करके देखना है। ये मेन लीड है इसकी, जिसमें लगाती हूँ। देखिए किधर है इसका सॉकेट, ये है सॉकेट, सॉकेट में लगा देते हैं इसको। ये 32 वाट का है, 32 इंची का है, मैंने 40 में लगा दिया। देखिए, इसको मैं चालू करता हूँ, सब हो गया। ये लगा दिया मैं, देखिए ये एलईडी चालू हो गई इसकी, ठीक है। हाँ, देखिए मैं इसको चालू करता हूँ, देखिए ये ग्रीन हो गया। अब देखते हैं, देखिए ये बैक लाइट चालू हुई, ये दिखाइए यहाँ से, ये बैक लाइट चालू हुई। इसको पलट के देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें अपन को रेजुलेशन डालना पड़ेगा। तो 1920x1080 का रेजुलेशन जो है 0 input 03771, देखिए ये आ गया, ठीक है। ये आपका आ गया रेजुलेशन, देखिए डार्क स्क्रीन थी, कुछ नहीं आया था। ये मैंने इनपुट डाला, इसका रेजुलेशन डाला 03771, ये आ गया स्क्रीन। अब स्क्रीन आ गया, अब इसके बाद देखिए पिक्चर क्लियर नहीं आ रहा है इसमें, ये लिखा हुआ जो है ये क्लियर नहीं आ रहा है। देखिए इसके मेनू जो है ना, ये मैपिंग हो रही है, इसमें पिक्चर मैपिंग में आ रही है। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सर्विस मेनू में जाना पड़ेगा। सर्विस मेनू में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले
मैपिंग के फॉल्ट को दूर करने के लिए सबसे पहले हम सर्विस मेनू में इनपुट पर जाएंगे। इनपुट में जाके 815 यानी 815 खोलेंगे तो ये आपका सर्विस मेनू खुल जाएगा। सर्विस मेनू खुलने के बाद आपको सबसे पहले पैनल एडजस्टिंग पे जाना है। देखिए पैनल एडजस्टिंग पे जाते हैं, ये पैनल एडजस्ट पे आ गए। इसके बाद आपको जाना है टाइम मैप पे जाना है और उसमें जो बिट्स जो है ना इसको चेंज करना है। आइए यहाँ इसको चेंज करते हैं, 10 बिट पे डालेंगे तो ये आ जाएगा। ये 10 बिट पे डाला तो ये देखिए ये ठीक हो गया। ये बाहर निकल के चेक करते हैं इसको मेनू में, देखिए ये आ गया, ये मेनू क्लियर आ गया। इसका मतलब मैपिंग का फॉल्ट ख़त्म हो चुका है, या ये मैपिंग का फॉल्ट ख़त्म हो चुका है। देखिए अब फिर मेनू में जाते हैं, ये मेनू में फिर जाएंगे में, ये इनपुट 815 डालेंगे तो ये मेनू खुल जाएगा। अब इसमें आपको क्या चाहिए आपको सेट करना है उस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं। जैसे साउंड सेट करना हो आपको या पैनल एडजस्ट करना हो, देखिए जैसे पिक्चर कभी उल्टी आ रही हो इसमें, हाँ इसमें जाके जैसे पिक्चर उल्टी आ रही है तो उसको सीधा कैसे करना है तो उसमें जाके बताते हैं। ये देखिए ये आएंगे मिरर पे, पैनल मिरर, इसको अब देखिए मिरर फॉल्ट हो गया है, पैनल उल्टा हो गया है। तो ऐसे कैसे होता है, यदि टीकोन टॉप में लगा होगा, यदि टीकोन टॉप में लगा होगा और बॉटम में, यदि बॉटम में करना है तो इससे अपन टीकोन चेंज कर सकते हैं, यानी पिक्चर उल्टी और सीधी कर सकते हैं आप चाहे तो। ये टीकोन बोर्ड जो कभी होता है आपने देखा होगा LVDS केबल, ऊपर साइड लगती है किसी में नीचे साइड लगती है सेट में, तो उससे के अनुसार अपन इसको सेट कर सकते हैं। वापस सेट करते हैं, सीधा करते हैं इसको, अभी ये उल्टा हो गया है, देखिए ये सॉरी सीधा हो गया, ये क्लियर हो गया आपका, ठीक है। अब इसके बाद आगे आपको बताते हैं, सर्विस मेनू में जाते हैं, इनपुट 815 ये आ गया। अब देखिए बर्न करते हैं इसको, ये करते हैं और ये बर्न कर, देखिए ये बर्न हो गया है। अब ये रिमोट से कुछ नहीं होगा इसका, ये बर्न लिखा आ रहा है, इसको दबा रहा हूँ मैं, ये देखिए मेनू आ रहा है, परंतु ये कलर चेंज होते जा रहे हैं। देखिए रेड ग्रीन ब्लू ये कलर आते रहेंगे इस तरीके से। अब इसको ठीक करना है तो रिमोट से नहीं होगा ये ठीक। इसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पैनल की जो है ना उसमें से ऑन ऑफ करना है इसको। यदि ऑन ऑफ करते हैं, देखिए ये जो है इसका ऑन ऑफ है, ये इसको करेंगे तो ये देखिए अभी बंद हो जाएगा पूरा सेट, फिर काम करेगा। अब ऑन हुआ, ये काम करने लगी है, देखिए ये आ गया, अब पिक्चर क्लियर हो जाएगी। देखिए PC लिखा हुआ आ रहा है, अब जो भी इसमें करेंगे अब काम करने लगेगा। अब ये रिमोट काम नहीं कर रहा है, इसको रिमोट काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको वॉल्यूम प्लस को दबाना पड़ेगा इसका। देखिए देखिए रिमोट काम करने लगेगा, ये करने लगा रिमोट काम, ये रिमोट काम करने लगा, ठीक है। अब इसमें पेन ड्राइव लगाया अपन ने, पेन ड्राइव चला के बताते हैं आपको। सोर्स में जाते हैं, इनपुट और USB पे जाकर, ओके ये लोड हो रहा है, ये पिक्चर चालू हो गई, ओके।
प्ले हो गया। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।